What's up? I hope you all are doing great. Mommy Talkies के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाली हूँ कि बच्चों का पॉटी ट्रेनिंग देने का सही टाइम क्या होता है, आपको किन बातों का ख्याल रखना है एंड किस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग की जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं. तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं. दोस्तों मेरे हिसाब से बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग की जर्नी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होती है. जितना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है वो बच्चों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट वो माइलस्टोन होता है पेरेंट्स के लिए भी. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एक सही टाइम पे ही पॉटी ट्रेनिंग देना जो है वो शुरू कर दें ताकि बच्चे आसानी से अपना सुसु या पॉटी करने का फिक्स टाइमिंग या शेड्यूल जो है वो बना सके. तो इसी के साथ हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि सही टाइमिंग है क्या, मतलब कब से हम अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देना जो है वो शुरू कर सकते हैं. तो आंसर जो है वो यहाँ पे बहुत सिंपल है. मेरे हिसाब से जब आपके बच्चों का नेक जो है वो स्टेबल हो जाए, मतलब बच्चे आसानी से खुद ही बैठ सके, तब से ही आप अपने बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग की जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं. उसी के साथ हमारा दूसरा सवाल आता है कि सही टाइम पे बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देने का बेनिफिट्स क्या है, क्या फ़ायदा है. तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं. बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं, बच्चों का सुसु करने का या पॉटी करने का एक फिक्स टाइमिंग जो है वो बन जाता है, फिक्स शेड्यूल जो है वो बन जाता है, बच्चे सोशली ज़्यादा एक्टिव हो पाते हैं एंड ऑफकोर्स बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देने के टाइम पे आप बच्चों को डायपर्स जो है वो नहीं पहनाते हैं, जिससे बच्चों को डायपर रैश की प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं आती है. उसके अलावा बच्चों के साथ बाहर ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो जाता है एंड बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगता है. तो ये सारे ही फायदे हैं अगर आप अपने बच्चों को एक राइट टाइम पे पॉटी ट्रेनिंग देना जो है वो शुरू कर दें. तो उसी के साथ हमारा दूसरा सवाल आता है कि बच्चों को देख करके आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उनको सुसु या पॉटी ट्रेनिंग के लिए ले जाना है. तो आंसर जो है वो यहाँ पे बहुत सिंपल है. अगर आपका बेबी थोड़ा सा साउंड क्रिएट करने लगा है या बोलने लगा है तो कई बार बच्चे सुसु या पॉटी को सुसु या पू पू करके जो है वो खुद ही बता देते हैं. अगर आपका बेबी अभी नहीं बोल पा रहा है तो कई बार साइन लैंग्वेज में बच्चे जो है वो बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चे डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बनाने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा बेटा आयांश है वो एक जगह पर जाकर के बैठ जाएगा और प्रेशर लगाने जो है वो लगेगा. तो कुछ ऐसे छोटे छोटे साइन लैंग्वेज है जिसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके बेबी का सुसु या पॉटी का जो है वो टाइम हो गया है एंड आपको उनको पॉटी ट्रेन जो है वो करना है. तो इसी के साथ हमारा अगला सवाल आता है कि किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देना जो है वो शुरू कर सकते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक परफेक्ट पॉटी ट्रेनिंग सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अमेजोन पे काफी अवेलेबल है. डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के आते हैं जो कि बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लव लैब का 2-in-1 पॉटी ट्रेनिंग सीट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को काफी आसानी से पॉटी ट्रेनिंग जो है वो दे सकते हैं. ये 2-in-1 फंक्शन के साथ आता है, मतलब अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो अपने वॉशरूम में अपने टॉयलेट सीट पे या अडल्ट सीट पे भी इसको अटैच करके अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा. इसके सेफ्टी की अगर हम बात करें तो EN71 सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मतलब आपके बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है एंड ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सूटेबल है. इसमें बच्चों को कम्फर्ट जो है वो काफी अच्छा मिलता है, मतलब इसमें कोई भी शार्प एजेस जो है वो नहीं है, काफी स्मूथ एजेस हैं एंड साथ ही साथ इसका सीट डिजाइन जो है वो काफी अर्गोनॉमिक है, जिससे बच्चों को मैक्सिमम कंफर्ट मिलता है. इसमें आपको हायर बैक रेस्ट मिलता है जो कि बच्चों में प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बच्चों को कंफर्ट देता है एंड ये इंश्योर करता है कि बच्चे गलती से भी पीछे की तरफ जो है वो ना गिर जाए. कम्फर्ट के साथ साथ ये प्रोडक्ट काफी हाइजीनिक भी है, इसका मतलब इसके ऊपर के पार्ट को या फिर इसके इनर बाउल को आप आसानी से रिमूव करके क्लीन एंड वॉश भी कर सकते हैं, वापस से इसमें फिट इन भी कर सकते हैं. ये प्लास्टिक मटेरियल से बना है जो कि ड्यूरेबल है एंड नॉन टॉक्सिक है, साथ ही साथ ये काफी लाइट वेट भी है. कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसका, इसका मतलब इसको आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं या फिर इसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं. तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से लव लैब 2-in-1 पॉटी ट्रेनिंग सीट का इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देना जो है वो शुरू कर सकते हैं. वेल लव लैब 2-in-1 बेबी पॉटी ट्रेनिंग सीट आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपको अपने बच्चों के लिए खरीदना होगा तो आसानी से अमेजोन पे अवेलेबल है, साथ ही लव लैब के साइट पे अवेलेबल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. वेल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देना जो है वो शुरू करेंगे उतना ही जल्दी बच्चे जो है वो सीखेंगे एंड उतना ही जल्दी बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल भी रहता है. दोस्तों अगर आप अपने बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग की जर्नी जो है वो लेट शुरू करते हैं तो इससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है. बच्चे अपना सुसु या पॉटी कंट्रोल करना जो है वो सही टाइम पे सीख नहीं पाते हैं. बच्चों के साथ ट्रैवल करने
में टाइमली एक्सीडेंट्स भी हो जाती हैं। बच्चों में इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है, बच्चे सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं एंड बहुत बार बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना भी जो है वो बढ़ जाती है। वेल आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो हमेशा की तरह मुझे कॉमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम इसी तरह के वीडियो जो है वो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोस जो है वो बनाने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।